When we use get with a direct object, a noun or a pronoun, it often means receive, have or something similar. जब हम get को direct object संख्या या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त करते हैं इसके अक्सर अर्थ होता है प्राप्त करना होना या फिर कुछ अनुरूप जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो हमारे पास जब नाउन या प्रोनाउन हो उसके साथ जब हम get का यूज़ करें तब गेट का अर्थ होता है रिसीव यानी कुछ प्राप्त होना हैव कुछ होना या फिर इससे मिलता जुलता कोई अर्थ हमें मिलता है गेट का फॉर एग्जाम्पल रही आई गॉट माई अपॉइंटमेंट लेटर हाँ मुझे मेरा नियुक्ति पत्र मिल गया यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है आई गॉट माई अपॉइंटमेंट लेटर ओके okay? यहाँ पर हमने गेट को कॉट किया विच इज सेकेंड फॉर्म लेकिन हमारे पास कॉट के बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है माय अपॉइंटमेंट लेटर माय कैन यू गेट दैट बुक फॉर हर क्या तुम उसके लिए पुस्तक ले सकते हो ओके okay? गेट के बाद दैट बुक है जो कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कैन यू गेट दैट बुक दैट हमारा एक प्रोनाउन है ठीक है कैन यू गेट दैट बुक फॉर हर आई गॉट साउंड स्लीप यर स्टडे मुझे कल गहरी नींद आई ना यहाँ पर साउंड एक नाउन है ओके आई गॉट साउंड स्लीप साउंड स्लीप एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है आई गॉट साउंड स्लीप यर स्टडे मुझे कल गहरी नींद आई ठीक है तो यहाँ पर गेट का अर्थ है आ, कुछ प्राप्त होना कुछ होना या उससे मिलता जुलता अर्थ जो कि बिल्कुल इन सेंटेंसेस पर लागू है जैसे मुझे मेरा नियुक्ति पत्र मिल गया ठीक है आपको आपका नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया सेकेंड एग्जाम्पल में भी यही अर्थ है उसके लिए पुस्तक ले सकते हो मतलब इसमें लेना मुझे कल गहरी नींद आई गहरी नींद का आना ठीक है इस तरह गेट का अर्थ होता है जब हम गेट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं इसका अर्थ हो जाता है प्राप्त होना कुछ होना या फिर इससे मिलता जुलता कोई अर्थ ओके नेक्स्ट गेट गेट का यहाँ पर मतलब है बिकम बनना या फिर बन जाना ओके okay? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बिकम वेन वी यूज गेट बिफोर एन एडजेक्टिव इट ऑफन मीन्स बिकम जब हम गेट को एडजेक्टिव से पहले यूज़ करते हैं ठीक है अगर किसी सेंटेंस में गेट का यूज़ एक एडजेक्टिव से पहले हुआ है तो इसका अर्थ हो जाता है फिर बनना बन जाना तो गेट ऑफन मीन्स बिकम वेल यूज बिफोर एडजेक्टिव एडजेक्टिव से पहले जब हम गेट का यूज़ करते हैं तब इसका मतलब होता है बिकम बनना या फिर बन जाना फॉर एग्जाम्पल द कंडीशन ऑफ़ इज़ मदर इज़ कैरिंग सीरियस उसकी माता जी की स्थिति गंभीर हो रही है गवर्नमेंट सर्विसेज इज़ कैरिंग टफ नाव इज सरकारी नौकरी आज कल सख्त हो रही हैं शी इज़ कैरिंग बेटर बेहतर हो रही है, है। मतलब इन तीनों सेंटेंसेस में हमने गेट का जो यूज़ किया है वो किया है एडजेक्टिव से पहले जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में द कंडीशन ऑफ़ इज़ मदर इज़ गैटिंग सीरियस तो यहाँ पर हमने गेट का यूज़ किया और गेट के जो बाद में वो है सीरियस सीरियस एक एडजेक्टिव है ऐसे ही सेकेंड एग्जैम्पल में गवर्मेंट सर्विस इज़ गेटिंग टफ़ नाव इज़ जो टफ है वो है एडजेक्टिव और उससे पहले हमने गेट का यूज़ किया थर्ड एग्ज़ैम्पल में बेटर एक एडजेक्टिव है और उससे पहले भी हमने गेट का यूज़ किया तो जब हमने गेट का यूज़ एडजेक्टिव से पहले किया तो इसका मतलब हो गया बनना या फिर बन जाना तो इन सेंटेंसेस में भी वही मतलब है अब स्थिति गंभीर बनती जा रही है सरकारी नौकरियाँ आजकल सख्त बन रही हैं बनती जा रही हैं अब वो बेहतर होती जा रही है ठीक है गेट मी सम काइंड ऑफ मूवमेंट मतलब किसी प्रकार की हरकत करना गेट ऑफन मीन्स सम काइंड ऑफ़ मूवमेंट गो कम और अराइव वेन वी यूज गेट बिफोर वर्ड्स होम अप आउट अवे बैक गेट का अक्सर अर्थ होता है किसी प्रकार की हरकत जैसे जाना आना पहुँचना इस अर्थ में जब हम गेट को इन शब्दों से पहले प्रयोग करते हैं होम अप आउट अवे बैक ठीक है तो जब भी हम गेट को इन शब्दों से पहले यूज़ करते हैं तो जो गेट का अर्थ होता है वो बन जाता है आना पहुँचना जाना किसी प्रकार की हरकत करना उस अर्थ में हम गेट को यूज़ करते हैं जैसे गेट इन द बस बस में आओ माई गोल्स आर गेटिंग अवे फ्रॉम मी मेरे लक्ष्य मुझसे दूर जा रहे हैं is टू गेट ऑफ द ट्रेन एट अहमदाबाद उसे अहमदाबाद में ट्रेन से उतरना है आई टेक dinner एज soon एज आई गेट होम मैं जैसे ही घर पहुंचता हूं रात का खाना लेता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने गेट के बाद इन लगाया है तो गेट इन का मतलब हो गया आना ठीक है हरकत कर रहे हैं हम यहाँ पर कोई मूवमेंट सेकेंड में गेटिंग अवे यहाँ पर भी मतलब है जाना गेट ऑफ उतरना गेट होम पहुँचना इस तरह से हम गेट का यूज़ करते हैं गेट का अर्थ बन जाता है आना जाना पहुँचना किसी प्रकार की हरकत करना जब हम गेट का यूज़ टू ऑफ इन होम अप इनसे पहले करते हैं ओके okay? गेट का कभी कभी मतलब होता है अंडरस्टैंड यानी समझना कभी कभी जैसे मैं हकीकत बयां कर रहा हूँ क्या तुम तो मुझे समझ रहे हो आई एम नरेटिंग द फैक्ट्स आर यू गेटिंग मी ओके यहाँ पर गेटिंग मी का यूज़ किया आर यू गेटिंग मी यहाँ पर इसका अर्थ है कि आप मुझे समझ रहे हो कभी कभी गेट का अर्थ हम टू uh, अंडरस्टैंड के रूप में भी करते हैं समझना अपनी समस्या को उसे बताने का प्रयास मत करो वह इसे कभी नहीं समझेगा डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम्स टू हिम ही विल नेवर गेट इट ओके ही विल नेवर गेट इट ही विल नेवर गेट इट का मतलब है वह कभी नहीं समझेगा इस तरह से हम गेट का यूज करते हैं जब हमें बोलना हो समझना जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस में यूज किया आर यू गेटिंग मी क्या तुम मुझे समझ रहे हो ही विल नेवर गेट इट वैसे कभी नहीं समझेगा काफ़ी लोग ये भी कहते आई गॉट इट आई गॉट इट जिसका मतलब होता है मैं समझ गया ठीक है तो गेट का इस तरह हम यूज़ करते हैं समझने के रूप में गेट का कभी कभी मतलब होता है गेटिंग समथिंग डन यानी कुछ कार्य करवाना वेन वी यूज गेट विथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ग पास्ट पार्टिसिपल इट ऑफन डिपिक्ड द मीनिंग गेटिंग समथिंग डन जब हम गेट को थर्ड फॉर्म के साथ यानी पास्ट पार्टिसिपल के साथ प्रयोग करते हैं इसका अक्सर अर्थ होता है कुछ कार्य करवाना ठीक है गेटिंग समथिंग डन गेट का तभी इसका ये मतलब होगा गेटिंग समथिंग डन जब गेट के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे जैसे फर्स्ट मुझे अपनी साड़ी रंगवानी है आई एम टू गेट माई साड़ी कलर्ड आई एम टू गेट माई साड़ी कलर्ड कृपया ये फॉर्म भरवाओ प्लीज़ गेट दिस फॉर्म फिल्ड तुम ये दवाई डॉक्टर से लिखवाओ यू गेट दिस मेडिसिन प्रिस्क्राइब फ्रॉम अ डॉक्टर तो फर्स्ट सेंटेंस में आई एम टू गेट माई साड़ी कलर्ड यहाँ पर कलर्ड यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया है कलर के साथ हमने इसलिए इसका मतलब यहाँ पर है कुछ कार्य करवाना मुझे अपनी साड़ी रंगवानी है सेकेंड में कृपया एक फॉर्म भरवाओ प्लीज़ गेट दिस फॉर्म फिल्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई है फिल्ड और यहाँ पर गेट का मतलब है कि ये फॉर्म को भरवाना ये काम है जिसको करवाना है तुम ये दवाई डॉक्टर से लिखवाओ ठीक है यहाँ पे प्रिस्क्राइब आया है जो कि थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर गेट का अर्थ भी यही है कि ये दवाई डॉक्टर से लिखवाओ गेट ऑल्सो मीन्स ग्रेजुअली स्टार्ट टू हैव अ पर्टिक्युलर एटीट्यूड और फीलिंग वेन वी यूज गेट टू इट मीन्स सम वन ग्रेजुअली स्टार्ट टू हैव अ पर्टिकुलर एटीट्यूड और फीलिंग और टू डू समथिंग जब हम गेट टू का प्रयोग करते हैं इसका अर्थ होता है धीरे धीरे खास रवैया या भाव कुछ करने के लिए अपनाना शुरू करना ठीक है जैसे एग्जाम्पल हर मदर शी गोट टू वर्क अपनी माँ को देख कर वह काम करने लगी यू विल एन्जॉय कॉलेज वेन यू गेट टू नो अ फ्यू स्टूडेंट्स तुम कॉलेज का आनंद लोगे जब तुम कुछ विद्यार्थियों को जानोगे ही गोट टू लाइक माई आइडिया आफ्टर वाइल उसे कुछ समय बाद मेरा अभिप्राय पसंद आने लगा ओके okay? So, यहाँ पर धीरे धीरे वह काम रवैया अपनाने लगे जैसे वो अपनी माँ को देखकर काम करने लगी ठीक है अपनी माँ को देखकर धीरे धीरे उसने वो रवैया अपनाया तब वो काम करने लगी तुम कॉलेज का आनंद लोगे जब तुम कुछ विद्यार्थियों को जानोगे मतलब अभी तुम्हें कॉलेज का आनंद नहीं आएगा तुम धीरे धीरे कॉलेज का आनंद लोगे जब तुम कुछ विद्यार्थियों को जानोगे उसे कुछ समय बाद मेरा आइडिया पसंद आया मतलब एक बार में पसंद नहीं आया धीरे धीरे उसका रवैया बदला और उसे मेरा आइडिया पसंद आया वेल दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो इफ यू लाइक देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक दिस